तो निकल चुके हैं सफर पे। तो यहाँ आसपास हॉस्टल्स होटल्स काफ़ी सारे हैं और आपकी चॉइस है जहाँ हम रुकना चाहो, पर ज़्यादा बेस्ट है कि इसी एरिया में रुकना। मार्केट्स आसपास है, खाने के पॉइंट्स आसपास है, मैंगर फूड सामने है। फिलहाल हम अपने हॉस्टल पहुँचे हैं, हल्का सा ब्रेक लेंगे फिर चलेंगे यहाँ से। सुबह ही रूम में आ गए हैं, फ्रेश वगैरह थोड़ा हो गए क्योंकि फोर्ट बिल्कुल पास पे था। अभी चलते हैं शायद क्लॉक टावर, आसपास मार्केट है और कुछ खाया भी नहीं है। सुबह से ब्रेकफास्ट करा, फिर सो गया था, 4 बजे उठा, फिर एकदम से प्लान करा, 5 बजे पता चला जी फोर्ट का गेट बंद हो जाता है, एंट्री नहीं होगी, तो फिर हम फटाफट भागे। अभी वो आ गए हैं घूम के, कुछ खाएंगे और फिर आपको क्लॉक टावर लेके चलता हूँ। मैंने भी नहीं देखा, आपको भी दिखाता हूँ, मैं भी देख के आता हूँ। सो हेरिटेज प्रॉपर्टी, बस लाइटिंग कम है जिसकी वजह से शायद चेहरा साफ नजर ना आए। तो गाइस हम आए हैं ये रेस्टोरेंट में, हमारे कैफे के सामने ही है, इसका नाम झनकार छोटी हवेली। ब्रेकफास्ट एज अ मील ज़्यादा कॉस्टली नहीं है रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग। पाँच सौ साल पुराना है। तो भाई लोग हो गई है गुड मॉर्निंग और ये एक बंदा ऊपर और वो तो नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा भाई पक्का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और ये भाई साहब रेडी हैं और इनकी आज फ्लाइट भी है और इन्होंने आज वहीं से फ्लाइट पकड़ लेनी है। भाई साहब लेट हो गए, अगर आप फ्लाइट नहीं पकड़ पाए फिर क्या करोगे, इसको पकड़ोगे फिर? ये भाई साहब यहाँ के गाइड साहब हैं और इन्होंने हमारा टूर कन्फर्म करा है। इतने अच्छे आदमी है, सुबह आके अलार्म की तरह बज जाते हैं। एक भाई साहब ऊपर है, ओ मुझे क्लियर से उठ गए हैं भाई, 5:30 हो गए हैं, नहीं 6:00 बज गए हैं। चलो भाई 10 मिनट का टाइम दो, रेडी होते हैं, ड्रैकलिन होते हैं ना, ड्रैकलिन हो जाते हैं फटाफट। तो फाइनली भैया हम रेडी हो गए हैं, ड्रैकलिन हो गए, रेडी नहीं कहेंगे, ड्रैकलिन हो गए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिश्नोई टूर। ऐसा बोल रहा है, कुछ खतरनाक है क्या वहाँ पे? अरे ब्लैक बग मिलेगा, वही वाला सलमान खान वाला, हमारे हाथों से खून जाएगा, हमारे ऊपर केस करवाएगा, हमें मरवाएगा भाई ये, ध्यान से सो जाए आराम से, मिलते हैं ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट के गुड मॉर्निंग वैसे। ये हमारे ड्राइवर भी हैं, हैं आप लेके आ रहे हो ना? हाँ, यही कराएंगे हमें पूरा टूर, गाइड राइड पूरा यही करेंगे, सब कुछ यही है। हाँ। हम कहाँ जाने वाले वैसे? अभी यहाँ से हम पहले जाएंगे लिए सनराइज के लिए, उसके बाद कुछ एनिमल्स है, डियर से, ब्लैक बक है, ओम कलरफुल। इंजीनियर साहब सही है फिर सब कुछ, ब्रेकफास्ट रेडी रखना है हमारा। तो वी आर रेडी नाउ, हम जा रहे हैं विष्णवी विलेज और यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर। तो गाइज वी आर नाउ खारा बीरा ना। तो भैया हम आए हैं सुबह सुबह सनराइज देखने के बाद, हम कहाँ जाने वाले हैं? एनिमल्स देखने के लिए। एनिमल्स देखने आने हैं। वैसे जो एक टूर है हमारा, जो होस्टल के गाइड है उन्होंने टूर करवा के दिया है और वो एक विलेज है बिश्नोई विलेज, और ये भाई साहब हमें लेके आने वाले हैं। हम 3 लोग आए हैं, बहुत प्यारा व्यू है, अभी सनराइज होने वाला है, कैमरा हमने लगा दिया है, ये अपने विलेज लेके जाने वाले हैं। खाना है तो वहाँ पे हम लोकल खाना भी खिलाएंगे, ये एक्सपीरियंस करना बनता है। ये है क्या, ये क्या है? ये तो तालाब है, सूख गया बेचारा, नहीं इतना बारिश का रास्ता में। ये नज़ारा तो शानदार है, सुबह के हो रहे हैं 7:30 और ये खूबसूरत नज़ारा है, मज़ेदार है। सनराइज हमने देख लिया है, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया, काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स भी खिंचवा ली है और ठंड इतनी है हाथ ठहर गए यार, बहुत दिनों बाद सुबह सुबह निकले हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड होगी यहाँ पे जोधपुर में। है भाई में कोई चाय कॉफी मिलेगा तो अच्छा है। गजर
वो सामने देखो, वो रहा सामने घूम रहा है वो भाई। अरे नहीं यार, क्या है ये, कौन है ये, क्या कहते हैं इसे, गजर। गजर मिल गए होती ना। अच्छा वो मेल है, ये फीमेल है। वो रहा सलमान खान का दुश्मन, वो है सलमान खान का दुश्मन भाई। रुक ब्रेक मारना। ब्लैक बग है और नेचर की खूबसूरती अलग है। ब्लैक बग्स यहाँ पे एक नहीं दो नहीं कई दिख गए, और हमारी गाय भी दिख गई। नील गाय नहीं, जेन्युइन गाय। बाकी नील गाय भी है यार, सारे आसपास जानवर बकायदा रुक के फोटो खिंचवा रहे हैं यार, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। तो ये कोई जंगल नहीं है, ये खेत है, और यहाँ पे ऐसे घूम रहे हो। यहाँ कोई वो शिकारी जानवर नहीं है जैसे शेर चीता टाइप का कि जिनसे डर हो। ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा? दो घंटे बाद भाई साहब, दो घंटे से घुमा रहे हैं। हाँ ब्रेकफास्ट भी जरूरी है। देखा जाए तो कॉस्टली भी नहीं है, हम तो तीन लोग आए हैं, 1000 rupees पर हेड जो पड़ा है कॉस्टिंग। देखो अब जब इतनी दूर निकलता है इंसान तो पैसे तो वैसे भी खर्च होते हैं। सनराइज इन्होंने दिखाया है, ये जो नेचुरल हमें फॉरेस्ट नहीं कह सकते, ये खेतों के अंदर जो दिखा रहे हैं। अभी विलेज लेके जा रहे हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, खाते हैं, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मेल है जी, मेल है, फोटो खिंचवा रहा है। चिप्स का पैकेट मिल गया जो इस वक्त हमारे लिए बहुत जरूरी है। केरला से है। चारों तरफ फिरान है, मतलब ये खेत नहीं है यार, जंगल है यार। फिर भाग जाएंगे वो, मजा आ गया यार। यानी ऑल ओवर पैसा वसूल आने का, आप भी आ सकते हो। और हमने हॉस्टल का नाम जो हॉस्टल है वहाँ से बुकिंग करी थी, और बंदे का नंबर दे दूंगा अगर आपको भी आना है सफारी करने और नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लेने तो आ सकते हो बिल्कुल। तो बस अभी चल रहे हैं इनके गांव में जिनकी सफारी में माए हैं। कुछ तो पेट में जाए। तो भैया हो गया ब्रेक, चाय टाइम। क्या मिल जाएगा, परांठे शरांठे मिल जाएंगे? आलू पराठा मिलेगा। अरे वाह। मैं हम कहाँ आए हैं भैया? अभी हम यहाँ पे पहले देखेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग। तो भैया कुछ गांव के जो नेचुरल वर्क होता है लाइक ये मटके शटके बनते हैं, हम भी ट्राई करेंगे मटके बनाने के। ब्लॉक प्रिंटिंग वो जो चद्दर वगैरह पे काम होता है, हमने पिक्चर्स टीवी उसमें देखा है, रियल लाइफ में मैंने तो नहीं देखा। अगर आप में से किसी ने देखा तो कमेंट करके बताना भैया, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे ये सब काम ज़्यादा होता है। इससे छाप रहे हो, ये कलर है या मिट्टी है? ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसमें मड है, हम लोग नेचुरल डाई यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ नहीं करते। तो ये जो पीस है फिनिश होकर ऐसा बन जाएगा, इसका ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, हैंडलूम कॉटन है। इसको 5 बार प्रिंट करते हैं तो एक पीस फिनिश होता है। सबसे पहले इस पर हल्दी प्रिंट करते हैं, टर्मरिक हल्दी चेंज होती है रेड कलर में जब हम इस पर नींबू अप्लाई करेंगे। अच्छा नींबू लगाएंगे। फिर थर्ड प्रोसेस में ये डब है, आपको पता है 5 चीज मिक्स है इसमें, मड गम सोप क्ले एंड कुकिंग ऑयल। इसको बोलते हैं दाबू, वो जो ब्लॉक प्रिंटिंग की ओल्डेस्ट टेक्निक है ये। रेड के ऊपर प्रिंट कर देंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे। तो ये ब्लू कलर कैसे हुआ है, ये कलर कैसे बनता है? ड्राई करेंगे, उसके बाद में पूरा प्रिंटेड पीस ब्लू कलर के अंदर डाई करेंगे, ब्लू कलर रेड कलर जो भी कलर करना हो। अब इसका रीजन कि मड क्यों लगाते हैं, जहाँ ये मड होगा वहाँ पे ब्लू कलर नहीं चढ़ेगा और पूरा इसका बैकग्राउंड पूरा ब्लू कलर में हो जाएगा। हमारे यहाँ होता है पटेल, जो लोकल फार्मर कम्युनिटी है यहाँ की, उन लेडीज के लिए इस डिजाइन का स्कर्ट बनता है, स्कर्ट यूज़ के लिए, घाघरा। घाघरा, ओके। इस टाइप के ब्लॉक होते हैं, कैमल ब्लॉक, ब्लॉक्स कारपेंटर्स बनाते हैं। हमारे पास तकरीबन 20-25 हज़ार ब्लॉक्स है इस टाइप के। तो ये हैंडमेड करते हो आप सारा, ये भी अभी बनाओगे? ये सब हम ही बनाते हैं। ये सब कुछ आपने बना हुआ है? सब हाथों से बना हुआ है। मिट्टी यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर गांव है मोकल सर, वहाँ से लाते हैं, तालाब की मिट्टी है, और इसके अंदर हम डालते हैं चूल्हे की राख और लकड़ी का बुरादा, दो चीज मिक्स करते हैं मजबूती के लिए। अच्छा। और ये हमारा पुश्तैनी काम है तो हजारों साल पुराना।
बट हमारी फैमिली लाइफ 300 साल से करते आ रही है। 300 साल से ही काम कर रहे हैं और मेरे को 15 साल हो गए करते हुए। इसके नीचे कोई बैरिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है, ओनली इस लकड़ी के ऊपर चलता है। स्टोन के अंदर फिट होता है, स्टोन जमीन के अंदर फिट होता है। व्हील के नीचे इतना सा ही छोटा सा हॉल है, उसके ऊपर टिककर घूमता रहता, राउंड लेता रहता है। और व्हील का वेट 100 किलो इसका। हाँ जी 100 किलो का है। हाँ जी। ये हमने इसका लीड धीरे-धीरे पुश करो और क्या से नहीं आप ज्यादा नीचे से दबा मत करो, ऊपर से पुश करो। तो जी वो पूरा काट सॉरी बंदी का यूज दिस मतलब पूरा ट्रेन में कंप्लीट हो गया। वन वीक ये हमने ऑयल लैम्प दिया है सर, आप इधर से भी ऑयल डाल सकते हो, इधर से भी ऑयल डाल सकते हो। अभी डालते हैं इसमें पानी, बाबस को उल्टा करेंगे बाहर नहीं आएगा। क्या है बाबस को ऐसे करेंगे तब बाहर आएगा। ये हो गया ऐसे अलादीन मैजिक लैंप ऑफ इंडिया। मजबूत है, बैग में टूट जाएगा ये तो। मजबूत है। सो गाइस यहाँ पे ट्रिप पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे लाइक हमने सुबह सनराइज देखा, फिर हमने ब्लैक बग देखा, उसके बाद फिर हमने परौंठे खाए, फिर यहाँ पे जो नेचुरल कलाकारी होती है जो चद्दर वगैरह पे जैसे वो करते हैं पेंटिंग करते हैं वो देखा, और उसके बाद आपने यहाँ देखा कि हमने वो मिट्टी से कैसे बनाते हैं, हैंडमेड करते हैं वो देखा, यानी काफ़ी मज़ेदार है ये ट्रिप। डेफिनेटली बनता है यार, आप इतनी दूर आओगे तो ये ट्रिप करना ज़रूर बनता है। कौन सा विलेज है? काकानी। सलमान का फेमस विलेज हुआ था जहाँ से शुरू किया ना, मोगड़ा गुड़ा काकानी सिक खराबेरा ये सब विष्णु के अंडर में आता है। विष्णु ही बेसिकली एक कम्युनिटी है आपकी, पूरा समुदाय है जो पूरा फैला हुआ है 4-5 जगह पे। ये बात एक अलग अलग कहा से निकल के एक विष्णु बना है। वजह इनका धर्म अलग है? नहीं धर्म हमारे जैसे हिंदू की सब कुछ सेम है। अलग क्या है? भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, इनके 29 प्रिंसिपल्स है, रूल्स है। इनके गुरु थे जामू जी रूल जो गुरु थे जिन्होंने रूल बनाए उन्होंने बनाया। अच्छा फिर उन्होंने लोगों को जागरूक किया। ये देखो इनका जो घर रहने का, ऐसे घर बनाते थे और पुराने अभी भी लोग ऐसे रहते हैं। बीस दिन बाहर ये वैसे फिल्टर करेंगे फिर ये भगवान को ऐसे ऑफर कर देंगे, ओम नमो शिवा शिव शंकर हरि हर महादेव, उसके बाद में ऐसे जैसे आप हमारे मेहमान है तो ऐसे पिलाएंगे। ये बहुत पुरानी मशीन है। कितनी पुरानी मशीन है? मेरे पिताजी का हाथ की एक हो जाएगा 40 साल के। 40 साल पुरानी मशीन है। लोगों को जानने का नज़रिया है, अगर आप इन सब चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आओ। कहाँ आना है, कैसे बुकिंग करनी है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको ब्लॉग में दे ही दूंगा। लोग यहाँ आके स्टे करते हैं रूम्स में ना, दिखाओ रूम की शक्ल एक बारी। तो भाई जिनके साथ हम आए हैं हमारे टूरिस्ट गाइड, और भाई साहब तो बड़े पैसे वाले निकले यार, इनके अपने होटल रिजॉर्ट भी है। अरे क्या बात है। अच्छा पर नाइट का कितना चार्ज करते हुए हैं? अभी 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इंक्लूडिंग डिनर ब्रेकफास्ट और चाय कॉफी सब अनलिमिटेड होता है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब नेचर के अंदर और नेचुरल जो विलेज की फील लेनी है, नेचुरल खाने की, क्योंकि खाना भी यहाँ का नॉर्मल है, एकदम चूल्हे का खाना। 2 टाइम्स का मील यानी MAP, ब्रेकफास्ट डिनर ले लो। अगर किसी ने यहाँ आकर स्टे करना है डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। नाम भी दोबारा बताओ। ओम। ओम नाम है। 7665662821। ओके। वाईफाई है? वाह वाईफाई है, खाने की फैसिलिटी है, गर्म पानी, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर रूम के अंदर, लो भी लो सारी फैसिलिटी है भाई, और फील अलग है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार सच्ची में, तो अलग फील ये सारे रूम्स हैं। छोटा राम प्रजापत होम स्टे फुकराजगढ़। क्या बना रहे हो? कढ़ी बना रहे हो? तो भैया यहाँ लोकल फूड रेडी हो गया है खाने के लिए, और ये बैठ भी गए हैं।
जोधपुर में घूमने की बहुत सारी जगह है। एक ऐतिहासिक जगह है जिसको देखने का यही सही टाइम था अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं राजस्थान साइड। मेरे साथ बने रहिएगा और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे तो फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू।